हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्रणाम, मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ। गाइस, जैसे कि कल हमने पढ़ा था क्लास सिक्स में अंडरस्टैंडिंग इन डाइवर्सिटी, और हमने बात की थी कि डाइवर्सिटी क्या होता है और डाइवर्सिटी हमारे आसपास हम उसको कैसे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी को हम कैसे करते हैं, चाहे हमारे फोक डांस हो, हमारा रहन सहन पहनावा हो, खाना हो, या फिर हमारे वेशभूषा आभूषण हो। आज गाइज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल के की बुक में जो चैप्टर नंबर सेकंड हमारा चल रहा है क्लास सिक्स में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता में एकता, सॉरी विविधता में एकता कैसे है। तो गाइज, भारत में ये कहा जाता है कि अगर एक लकड़ी को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना बड़ा टफ है। अर्थात एकता का मतलब यूनिटी। अगर हमारे पास कोई एक टास्क है, उस टास्क को अगर हम टीम बनके काम करते हैं तो वो टास्क चंद सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया Diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British rules India, women and men from different cultural, religious backgrounds came together to oppose them. India Freedom Movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide to join actions. They went to jail together and they found different way to oppose the British intensities in the British through. They could divert Indians because they were so different and they continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet they unity in the battles against the British. Ki to humne dekha ki kis tarike se भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया इकट्ठे जेल गए अंग्रेजों का, अलग अलग जो अंग्रेज लोग थे उनके अलग अलग तरीकों के का विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधता है, इस तरह उनका सच राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से कितना अलग हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लिया। और इस लड़ाई में उन्होंने कुछ चीज कही भी थी जिसको मैं थोड़ा आपके सामने दोहराना चाहूंगा। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड ऑफ द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस द हंटर एज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट्स गार्डन डियर फ्रेंड्स हैविंग फॉलन टू बुलेट्स बी स्लैप इन द जलियांवाला बाग। This song was sung after the Jallianwala Bagh, जैसे कि आपको मालूम है 1919 13 अप्रैल अमृतसर में मैसेजर इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपेंड फायर ऑन द लार्ज ग्रुप ऑफ द अननेम्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर मैन एंड वुमेन हिंदू सिख्स एंड मुस्लिम्स रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस सॉन्ग was composed and sung to honor the memory of these brave people. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a silken stand remembered of our country's rich traditional of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, trained, and every
एवरी वेराइटी एक्नोलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड. इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द फेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. तो इंडियन नेशनल जो एंथम था वो कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया. इट वॉज वाई इन द नेशनल एंथम विल बी क्लियर्ड. तो गाइज जैसे कि हम लोगों ने ये जो सॉन्ग था ये आपने इसको देखा कि भारतीय में कैसे कैसे इसे लिया गया. दोस्त मैं आपको ये बता दूं यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था. इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्ते लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे. महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे. उनमें से बहुत लोगों की जान चली गई और उसमें से भी ज्यादा घायल हुए. यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रतीक हमारा विश्वास बनाए रखते हैं. क्या आप अपनी झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी. इस झंडे के सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है. इसमें विविधता को पहचानने और प्रोत्साहित किया जा गया है. यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हम सबको दिया. रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है. राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसे अपने शब्दों में आप लोग को लिखना है. सो गाइज आज के लिए इतना ही. ये जो टॉपिक है हमारा जो हमने इस बुक में अभी फिलहाल पढ़ा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ और अनेकता में अनेकता का जो एक हमने चक्र पढ़ा उस टॉपिक को हमने जो समाज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में पढ़ा. तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का ये चैप्टर पार्ट फर्स्ट फिनिश होता है. इसके जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज हम मुझे सेंड करिएगा और जो भी दिक्कत हो मुझे भेजिएगा. कल हम इसी तरह इसी बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे. तब के लिए थैंक यू सो मच.